मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया मेरी है ससुराल वालों की। Oh my God! Wow! क्या बना रही हो? रोटी की पूड़ी। तुम बताओ क्या खाना है, वही बना दूंगी। वही बना दूंगी। और सब्जी कौन सी है? वही कल वाली आलू टमाटर की। तुम बताओ ना किसकी खाना है, वही सब्जी बना दूंगी। वही बना दूंगी। क्या बात है भाई, मेरी सब बात मान रही है। सर। हाँ भाई। वो पार्सल है आपका? मैंने तो नहीं मंगाया भाई, देखो पड़ोस में किसी का होगा। नेहा किसका नाम है? नेहा वो तो मेरी बीवी का नाम है। ठीक है सर, तो ये लीजिए पार्सल और 10,000 पेमेंट कर दीजिए। 10,000? हाँ अब समझा, जो बोलूंगा वो क्यों बना देगी। बताओ ना क्या बनाना है, जो बोलोगे वो बना दूंगी। क्या क्या बोलूं, आवाज ही नहीं निकल रही है। ये तुम एक एक घंटा पोटी में बैठ के करते क्या हो? हाँ पोटी करता हूँ और क्या करता हूँ, समझ नहीं आ रहा है। ऑफिस भी जाना होता है लेकिन एक घंटा तुम्हें पता नहीं पोटी में क्या लगता है। वहाँ मुझे खुद से मिलने का मौका मिलता है, सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। वहाँ जेट स्प्रे मेरी मर्जी से चलता है, फ्लश मेरी मर्जी से चलता है, मग्गा मेरी मर्जी से हिलता है। मकड़ियों को देखता हूँ, छिपकलियों को देखता हूँ, एकदम दिमाग मेरा शांत हो जाता है, शांति का अनुभव होता है, एहसास होता है शांति का। शांति समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कौन है शांति? तुम्हारी सोतन है शांति, और कौन है? तुम्हारे होते मुझे मिल थोड़ा ही ना सकती है, ना इस घर में आ सकती है। कल से ना काम करना, अपनी जो ये शांति है ना तुम्हारी, इससे कल से ऑफिस में मिलना। घर में बैठ के ना हमारा टाइम मत खराब करा करो, एक एक घंटा सुबह का इतना कीमती होता है। और चुपचाप बैठ के ना नाश्ता करके निकलो ऑफिस के लिए। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि तुम मेरी ताकत हो, ताकत। वो बोली अच्छा, मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। प्रेमी और पति में एक बड़ा सिंपल सा अंतर है, प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। इस जमाने में देखिए क्या क्या बच्चों के पास ऑप्शन है, मैगी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, क्या क्या ऑप्शन है। हमारे जमाने में दो ऑप्शन होता था, मेरी माँ पूछती थी रोटी खाएगा या चप्पल। और रोटी नहीं खाते थे तो चप्पल अपने आप खानी पड़ जाती थी भाई साहब। जो अरबों खरबों 500 करोड़ का व्यापारी है ना, वो भी बाजार में घूमते हुए बोलेगा टमाटर बहुत महंगा है यार।